हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं परशुराम देवांगन, हमारी कंपनी सी इंटरप्राइजेस में आप सबका स्वागत है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ हम आप लोगों के कुछ नया प्रोडक्ट लेके आए, कुछ ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस लेके आए जो थोड़ा हटके हो, जो हर कोई ना कर रहा हो। तो आज वैसे ही एक नया बिजनेस मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है, जिसका नीड हर जगह रहता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिमांडेबल चीज़ है। और ये आप देखेंगे कि आज बहुत ही कम जगह चीज़ बनती है। ये चीज़ जो बनती है इसको बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही बनाती है, और ये हम ये बिज़नेस आपको इतने कम अमाउंट में स्टार्टअप करके दिलवाएंगे। तो दोस्तों, ये बिज़नेस बहुत ही शानदार होने वाला है, और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो आप पूरा देखें, जिससे आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो जैसे कि आज का जो बिज़नेस आइडिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिज़नेस में सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक 3-in-1 बिज़नेस है। मतलब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपके दो बिज़नेस साथ साथ ही स्टार्ट हो जाएंगे, उसके लिए आपको अलग इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तीन कौन कौन से बिज़नेस है और इसमें कितनी प्रॉफिट कर सकते हैं और किस तरीके से बिज़नेस को करना है, कितना लागत आएगा, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में आपको पूरी तरह बताएंगे। तो आप ये वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, कंटिन्यू वीडियो में बने रहे, जिससे आपको कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये जो बिज़नेस है कौन कौन से बिज़नेस है। मैं आपको एक के बाद एक बताता हूँ कि तीन किस तरीके से बिज़नेस आप एक साथ कर सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों, जो सबसे पहले ये प्लांट देख रहे हैं आप, ये प्लांट है आरओ प्लांट, है ना, जिसमें हम ये पानी का बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, लोग ऐसा 20 लीटर का जो गैलन होता है, जो जार सप्लाई होता है, जो काफ़ी दुकानों में, घरों में आजकल हर जगह आपको पता है कि लोग आरओ वाटर ही यूज़ करते हैं। तो पहला बिज़नेस आप जो रहेगा वो आप ही आरओ प्लांट का रहेगा, जो कि आप इस बिज़नेस के साथ कंबाइन रहेगा, इसके साथ आप ये आरओ का बिज़नेस कर सकते हैं। ये छोटा कैपेसिटी का प्लांट है, 250 लीटर पर आवर का। अगर आपको आरओ प्लांट का भी बिज़नेस ज़्यादा करना है, बड़े पैमाने में करना है, तो आप इसमें ये प्लांट हमसे बड़ा भी ले सकते हैं, उसका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा वो हम आपको ऐड करके बता देंगे। तो आप साथ ही साथ चाहे तो ये प्लांट या इससे बड़ी कैपेसिटी का प्लांट भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा बिज़नेस होने वाला है, ये जो आरओ प्लांट से जो पानी आएगा, जो हम आरओ वाटर बनाएंगे, उस आरओ वाटर को हम इस प्लांट से गुजारेंगे। जब इस प्लांट में प्रोसेस होगा, इस प्लांट में प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट रेडी होगा, वो प्रोडक्ट रहेगा आपका डीएम प्लांट। डीएम प्लांट है ये, जो प्रोडक्ट रेडी होगा वो बैटरी पानी, जो कि आप देखे होंगे गाड़ियों में, जो कि हमको यूज़ होता है, बैटरी वाटर जो हम बोलते हैं डीमिनलाइज वाटर। तो ये दूसरे जो प्लांट देख रहे हैं, दूसरे प्लांट में से आपका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, जो कि बैटरी पानी का प्रोडक्ट आपका रेडी होगा, डीएम वाटर का, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट रेडी होने वाला है, वो तीसरे के लिए आपको ये हमारी सबसे पहले ये मिक्सिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये हम आपको अभी प्रोसेस भी दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट तैयार कैसे होता है। तो तीसरा जो प्रोडक्ट आपका रहेगा, उसमें ये मिक्सर में हमको जो हमारा प्रीमिक्स रहेगा, उसको हमको मिक्सिंग करना रहेगा, और उसके बाद हमको इस टैंक में फिलिंग करना रहेगा, और ये जो हमारी फिलिंग मशीन है। तो तीसरा जो आपका बिज़नेस रहेगा वो कूलेंट का रहेगा दोस्तों। कूलेंट, जैसे कि आपको पता है कि हर जगह, हर गाड़ियों में, जो बड़ी गाड़ियां होती है, उसमें रेडिएटर में कूलेंट डलता है। तो ये जो तीसरा बिज़नेस होने वाला है आपका, कूलेंट का बिज़नेस होने वाला है। तो इस तरीके से आप एक साथ, आपको तीनों बिज़नेस करने का मौका मिलेगा, सिर्फ एक ही लागत के साथ, एक ही इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये तीनों बिज़नेस कर सकते हैं। और आइए हम आपको ये दिखाते हैं कि ये बिज़नेस प्रोसेस कैसे होता है, इसमें से जो प्रोडक्ट है वो फिनिश गुड्स कैसे रेडी होता है। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहे, हम आपको आगे पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे ये हम जब प्रोडक्ट का हम प्रोसेस बताते हैं कि कैसे ये होगा, जैसे ये पहला प्लांट से आप जब जो भी पानी प्रोडक्शन करेंगे, उसमें ये हमने एक डेमो के लिए रखा है छोटा सा गैलन, ये तो आपको बड़ी टंकी लगानी पड़ेगी। जो भी होगा, आप वहाँ से पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको इसको रॉ वाटर के लिए सप्लाई देना पड़ेगा, जो ये प्लांट पानी लेगा बाहर से, आपका जो भी बोर वाटर है, आपका जो भी ग्राउंड सोर्स है, उससे उसको प्रोसेस करके इसमें से जो पानी होगा वो फिल्टर होके यहाँ पर स्टोर होगा। यहाँ पर बड़ी टैंक रहेगी, हमने डेमो के लिए रखा है। ये जो प्रोडक्ट हो गया, ये आरओ पानी हो गया। अब आपको जो आरओ पानी चाहिए वो आप ऐसे गैलन में निकाल सकते हैं। इसके बाद ये आरओ पानी को प्रोसेस करेंगे हम इस प्लांट में, इस आरओ वाटर को ये प्लांट लेगा। इस प्लांट में प्रोसेस करने के बाद फिर ये टंकी रहेगी दूसरी, ये भी हमने डेमो के लिए रखा है, इसमें आपको बड़ी टंकी लगानी पड़ेगी। तो इसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें जो स्टोर हो जाएगा ये हो जाएगा डीएम वाटर, बैटरी पानी, जो कि गाड़ियों में डलता है। दूसरा प्रोडक्ट आपका यहाँ रेडी होगा, जिसको आप यहाँ से फिर जितना आपको प्रोडक्शन चाहिए वो आप यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट रहेगा, इसमें जो आपका डीएम वाटर रहेगा, बैटरी पानी, उस बैटरी पानी को हम देंगे इस मशीन को। वो हम दिखाते हैं आपको कि इसको कैसे हमको इसमें से मिक्सिंग करना रहेगा, ये प्रोसेस दिखाते हैं आपको। ये जो है बैटरी पानी, ये बैटरी पानी हमको इसमें डालना रहेगा, ये हमने ऑलरेडी इसमें बनाया हुआ है, लेकिन सैंपल के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। इस तरीके से हम इसमें से जो बैटरी वाटर रहेगा वो हम इसमें फिल करेंगे,
इसकी कैपेसिटी जो है वो 200 लीटर की है, और इस तरीके से प्रीमिक्स रहेगा, वो प्रीमिक्स को हमको इसमें डालना रहेगा। इसको डालने की प्रोसेस जो है वो हम दिखाते हैं कैसे डालना रहेगा। पहले हम ये जो मोटर देख रहे हैं आप, ये हम ये मोटर ऑन करेंगे, ये हम आपको दिखाते हैं। पानी फिल होने के बाद ये मोटर ऑन करना रहेगा। ये मोटर ऑन करने के बाद इसको हमको इसको धीरे धीरे डालना रहेगा। मिक्सिंग करते समय इसको हमको इस पानी में मोटर चलता रहेगा और हमको इसको धीरे 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 इसमें हमको टॉपअप करना रहेगा। और जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, ये जो प्रोसेस रहेगा, ये मोटर एक से सवा घंटे तक ये पूरी चलेगी, और एक से सवा घंटे ये चलने के बाद जो प्रोडक्ट रहेगा वो रेडी होगा। इसमें हमने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ था, आपको हम सैंपल करके दिखा रहे हैं कि कैसा प्रोसेस होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है करीब एक घंटे तक ये चलेगी। तो उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो बनने के बाद फिर इसको हमको कैसे इसमें फील करना रहेगा और कैसे फीलिंग होगा, ये भी प्रोसेस दिखाते हैं आपको आगे। तो जैसे कि दोस्तों ये हमने बताया आपको, ये जो ये प्रोडक्ट अब रेडी है, इस प्रोडक्ट को हमको कैसे फील करना है, इसका प्रोसेस क्या है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जिस तरीके से इसमें आ गया, हमको यहाँ से जो प्रोडक्ट हमारा रेडी हुआ है उसको हमको यहाँ ले लेना है, किसी भी बाल्टी में या किसी भी गैलन से हम इसको यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा रेडी प्रोडक्ट है। अब ये देख रहे हैं, जैसे हमने आपको सैंपल के लिए भी हम इसको फुल नहीं कर रहे हैं, बाकी आपको तो उसमें 200 लीटर फिल करना रहेगा, इस तरीके से हम खाली दिखा रहे हैं आपको। ये हमने ये लिया, अब यहाँ से हमको इस टैंक में, ये जो देख रहे हैं आप, ये फिलिंग मशीन के ऊपर का जो टैंक है, इसमें हमको इसको फिलिंग करना रहेगा, जो कि पीछे हम किसी भी चीज़ से, या तो आप एक सीढ़ी बना सकते हैं या ऐसे आप किसी स्टूल वगैरह में चढ़ के इसको आप फिलिंग कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये टैंक में इसको हमको फिल करना रहेगा। ये प्रोडक्ट इस टैंक में फील हो रहा है, क्योंकि इसको हमको हाइट में रखना पड़ा है, क्योंकि ये ऑटो फ्लो के थ्रू ये मशीन चलेगी, इस कारण हमको इस मशीन को हाइट में बनाना पड़ा है ताकि ऑटो फ्लो से वो फिलिंग होगा। तो ये देखिए, जैसे हमने इसमें प्रोडक्ट फील किया था, हम दिखाते हैं ये फिलिंग मशीन है टू हेड की, ये कैसे वर्किंग करता है, इसमें कैसे प्रोडक्ट फिलिंग होगा। इसमें हमने कंट्रोलर दिया हुआ है, जो भी आप जितना क्वांटिटी सेट करेंगे उतने क्वांटिटी से ये इसमें फीलिंग होगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये देखे फील हो चुका है। अब इसको हमको सील करना रहेगा। ये जो हमारी सीलिंग मशीन है, इसमें हम दिखा स्टार्ट से। तो ये देखिए, फिर इस तरीके से हम इसको फॉइल रखना है और ये हमको इससे सीलिंग हो जाएगा, इस सीलिंग मशीन से। बहुत ईजी है, कोई भी इसमें काम कर सकते हैं। सील करके इसको फिर ये हमको कैप करना रहेगा। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट रेडी हो जाएगा। ये एक लीटर का बॉक्स है, एक लीटर का बॉटल है। इसकी जो कॉस्ट है, कितनी प्राइस आएगी, सारा आएगा, हम आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, हम बताएंगे आपको कि ये बॉटल कितने का कॉस्ट है, स्टिकर का कितने का कॉस्ट आएगा, इसमें प्रीमिक्स का कितना कॉस्ट आएगा, और ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी, इसका भी सारा हम कस्टमर को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं कि आप जिस स्टेट से हैं वहाँ के लिए आपको, ताकि किसी भी तरीके से रॉ मटेरियल के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। सर जी, जैसे कि आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को कि इस बिज़नेस आइडिया से हम तीन अलग अलग बिज़नेस कर सकते हैं, जैसे ये आपने बताया कि बैटरी वाटर प्लांट जो अपन बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट हो गया हमारा कूलेंट हो गया, और तीसरा आपने जैसे कि बोला कि रेगुलर जो अपन जार सप्लाई करते हैं, तो सर हम जानना चाहेंगे कि सारे तीनों प्रोडक्ट में हमको इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आ रही है, अपने को इसको मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉस्ट क्या आ रहा है, और अगर अपन इसको सेल आउट करते हैं तो हमको क्या प्रॉफिट मिलता है, हम इसमें कितनी अपन प्रॉफिट इनकम ला सकते हैं, तो ज़रा उसके बारे में हमें जानकारी दीजिएगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। ज़रूर ज़रूर, तो मैं सारे व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हमने बताया कि ये 3-in-1 बिज़नेस है, मतलब तीन तरीके का व्यापार करेंगे आप। तो इसमें पहला जो बिज़नेस है वो है आरओ प्लांट का, जो पहला आपने मशीन देखा। तो इस आरओ में के प्लांट में क्या होता है कि आपको जो भी कॉस्ट आता है वो इलेक्ट्रिसिटी का और आपका लेबर का कॉस्ट रहता है, ठीक है। मेंटेनेंस बहुत ही नॉमिनल रहता है, मतलब महीने का आप समझ लीजिए कि छोटा प्लांट है
तो मतलब बड़े प्लांट में भी जो 1000 LPH का भी प्लांट होता है उसमें मेंटेनेंस महीने का 800 से 1000 रुपये मैक्सिमम है, तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। तो इसका थोड़ा सा वेरिएंट रहता है, फिर भी अगर कोई पर डे अगर इसमें से 50,000 या 100,000 भी बेचता है तो पर जार के पीछे उसको 15 रुपये तो आराम से प्रॉफिट आना ही है। एक जार बेचने में उसको 15 रुपये जैसा एक मुनाफा आराम से उसको 15 रुपये काट के हाँ मैक्स टू मैक्स उसको, अगर वो 25 रुपये में बेचता है 20 रुपये में भी बेचता है तो उसको 5 रुपये से ज़्यादा की लागत नहीं आनी है। इसमें 15 रुपये पर जार के पीछे उसको प्रॉफिट आना है। अगर वो 100 जार बेचता है रोज का तो उसको 1500 रुपये यहीं से इनकम हो सकता है। और अगर ज़्यादा उसको लार्ज स्केल पे करना है, जैसे उसको 200, 300, 400 जार का पर डे अगर खपत है, तो हमसे इसके जगह वो बड़ा प्लांट भी ले सकता है, क्योंकि 250 LPH का प्लांट तो हम इस कॉम्बो में दे रहे हैं जो भी है इसके साथ। अगर किसी को 500 LPH का प्लांट चाहिए, 1000 LPH का प्लांट चाहिए, तो कस्टमर हमारे जो भी सेल्स कोऑर्डिनेटर उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको उसका प्राइस एडिशनल बता दिया जाएगा। वैसे 1000 LPH का लगाने से अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बैटरी वाटर का बनेगा। अच्छा, ये बैटरी में जो पानी यूज़ होता है। हाँ, जो बैटरी में पानी होता है, जो इस RO प्लांट से जो प्रोसेस होगा सेकंड मशीन में, जो प्रोडक्ट रेडी होगा वो DM वाटर रेडी होगा, बैटरी पानी, ये जैसा देख रहे हैं आप। एक लीटर का बॉटल है ये। इसमें जो कॉस्ट आना है ये ₹3.20 जैसा आपका कॉस्ट आना है बॉटल के साथ, बॉटल का कैप के साथ में, ठीक है। 50 पैसे का आपका स्टीकर आना है, मतलब समझ लीजिए आपको ₹3.75, मैक्स टू मैक्स ये ₹4 में आपका ये पूरा रेडी हो जाना है। और पानी का कॉस्ट आपको 10 पैसा 20 पैसे लीटर से ज़्यादा नहीं पड़ना है, फिर भी हम पकड़ लेते हैं, और भी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा भी पकड़ लेते हैं हम, तो मैक्स टू मैक्स ये 4.5 से 5.5 रुपये जाना है ये। और ये इसका जो रिटेल प्राइस रहता है वो 25 रुपये का रहता है, बाकी सेल होता है ये 20 रुपये लीटर में मार्केट में रिटेल में। तो आराम से आप इसको 10 रुपया 11 रुपया 9 रुपये जैसा आपका मार्केट है, जैसा आपको डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मतलब इस एक लीटर के पीछे आप आराम से 5 रुपये आप इसमें प्रॉफिट बहुत इजी कर सकते हो। मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से अपन इसको सेल आउट कर सकते। जरूर जरूर। अच्छा सर जी, एक चीज़ और था, तीसरा भी प्रोडक्ट का मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर आप बताइएगा। तो ये जो तीसरा प्रोडक्ट आपने जो देखा है कूलेंट का, ठीक है, इसमें जो हमको जो लगना है बॉटल लगना है, स्टिकर लगना है दोनों साइड, और एक कैप लगना है, और इसका जो हम जो प्रीमिक्स दे रहे हैं वो लगना है, बाकी वाटर तो आपको वहाँ से बैटरी वाटर प्लांट से मिलेगा ही, ठीक है। तो इसमें जो इसकी लागत आएगी डब्बे की, ये 14 से 15 रुपए का प्रॉपर इसका कीमत है, जो कि मार्केट में दाने का प्राइस अप डाउन होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, और आपका क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी बॉटल बनाना है तो आप 16 रुपये भी पड़ सकता है, आपको 17 भी पड़ सकता है। एक अप्रॉक्सीमेटली हम 15 रुपये का ये बॉटल का पकड़ते हैं, ₹1, ₹1.20 इसका है आपका कैप का है, तो भी हम 1.5 रुपये भी पकड़ लेते हैं मैक्स टू मैक्स, तो 16, 16.5 रुपये ये हो गया। 1-1 रुपये के स्टिकर लगना है दोनों तरफ, ये हो गया आपका 18.5 रुपया। और जो प्रीमिक्स कॉस्ट आना है 1 लीटर के लिए, वो आपने आपको 5.5 रुपये का, तो 18.5 और 5.5 मतलब आपका ये हो गया 24 रुपये। और भी अदर एक्सपेंसेस पकड़ के मैक्स टू मैक्स ये 25 रुपये में प्रोडक्ट आपको पूरी तरह रेडी होने वाला है। 25 रुपये रेडी होगी। अब इसका जो मार्केट में जो रिटेल प्राइस है वो कहीं 250 रुपये है, कोई 220 रुपये है, जो बड़े ब्रांड है उनका मिनिमम भी 170-180 रुपये से मिनिमम तो कहीं भी नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट MRP आप जोर से भी 150-200 डाल सकते हैं, और दुकानदार इसको आराम से 150 रुपये में बेच सकता है, 120 रुपये 130 रुपये में बेच सकता है। आप इसको दुकानदार को बहुत ही आसानी से 70 रुपये 65 रुपये में देख के आप आराम से बेच सकते हो, 60 रुपये में भी बेचते हो, तो पर बॉटल के पीछे आपको मिनिमम 35 रुपीज़ पर लीटर के पीछे आपको प्रॉफिट इसमें आना है, मतलब कॉस्ट के साथ आपको प्रॉफिट का पैसा भी आ जा रहा है। जी 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 सर जी, जैसे कि आपने अभी तो सारी प्रोडक्ट के बारे में जो कॉस्टिंग बता दी आपने सर, लेकिन मेरा एक जानकारी चाहिए थी आपसे मुझे कि सर ये सारे बॉटल्स है, स्टिकर है, ये सब मुझे आपके पास से ही लेना पड़ेगा सारे कस्टमर को, क्योंकि ये प्रोडक्ट जैसे मैं अगर दूसरे स्टेट में जाता हूँ जैसे UP हो गया, बिहार हो गया, अपन दुनिया के भी किसी भी कोने से आपसे संपर्क करेंगे तो हमें सारे बॉटल्स है ये सब चीज़ों के बारे में फिर कैसे जानकारी मिलेगी कि हमको कहाँ से ख़रीदना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे व्यूअर्स को बता देना, इसमें जितने भी तरीके के रॉ मटेरियल्स हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं कि हम छत्तीसगढ़ से यहाँ से हमारा माल आसाम भी जाता है, हिमाचल भी जाता है, तो इतना दूर हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो जितने का बॉटल उससे ज़्यादा तो कॉस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पूरे पैन इंडिया में मैक्सिमम जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरर हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट लगभग कॉन्टैक्ट लगभग सारे स्टेट्स के हमारे पास कॉन्टैक्ट हैं। जैसे आप हमारे सेल्स की टीम से कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो जिस स्टेट का कस्टमर है हम उसको नीरेस्ट में जहाँ भी जो भी मैन्युफैक्चरर है, या हो सकता है कोई दिल्ली का है तो दिल्ली में हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरर का कॉन्टैक्ट है, हम उसको 3 मैन्युफैक्चरर का कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करा देते हैं। अब वो आप कंपेयर कर लीजिए कि किसके पास प्राइस आपको अच्छा मिल रहा है, कौन आपको नज़दीक पड़ रहा है।
दूसरा चीज़ स्टिकर्स जो है वो स्टिकर्स हमारे पास भिलाई में भी मैन्युफैक्चरर है, मुंबई में भी है, क्योंकि स्टिकर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, इसको आपको दूर से भी मंगा सकते हो आप, ये पॉसिबिलिटी है। तीसरा, ये जो डीएम प्लांट के लिए जो ये बॉटल लग रहे हैं, ये बॉटल तो कॉमन है, ये जो भी अपन पानी में आपको जो यूज़ होता है, जहाँ भी आप आरओ पाउडर पीते हैं वो सेम बॉटल है ये, तो ये बॉटल आपको नियरेस्ट आपको अवेलेबल हो ही जाएगा और उसका भी हम आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा, ये जो कूलेंट बनाने के जो प्रीमिक्स है ये आपको हमारे पास से ही लेनी रहेगी, क्योंकि ये जो है हमने लैब में इसको बनवाया हुआ है, तो ये आपको कहीं मिल नहीं सकती है, इसको आपको हमारे पास से ही लेना रहेगा। मतलब कंपनी द्वारा सारी चीज़ें हेल्प की जाएगी कि अपने को बॉटल कहाँ से मिलनी है, हर सिटी में, हर जगह में, हर कोने कस्बे में, जहाँ जहाँ बॉटल के मैन्युफैक्चरर है, स्टिकर के मैन्युफैक्चरर है, वो सारी चीज़ें हमारी कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि कस्टमर को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। बहुत ही आसान तरीक़ों से सर ने जैसे बताया कि हम सारी चीज़ों में हमारी कंपनी द्वारा हमारे टीम के साथ में आपको सपोर्ट किया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है सर, है ना, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी, जैसे कि आपने सारी जानकारी तो बता दी हमें, और एक चीज़ हमें पूछना था कि आप जैसे कि सारी मशीन की सेटअप है, इसकी कीमत क्या आ रही, पूरी मशीन आपको कितने कॉस्ट में मिल जाएगी, और क्या हमें आपके पास विजिट करके लेना होगा या हम लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं? जैसे कि मैं अलग अलग कंट्री में अपन बैठे हैं, तो हम कैसे इसको आपसे खरीद पाएंगे और आप कैसे हम तक पहुँचा पाएंगे मशीनों की, और पेमेंट टर्म्स कैसा रहेगा, वो ज़रा जानकारी देंगे हमें। ज़रूर ज़रूर, मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि कितना लागत आएगा, तो ये जो पूरा सेटअप देख रहे हैं, इंटायर सेटअप जो तीनों मशीन का कॉम्बिनेशन है, ये कंप्लीट सेटअप की कॉस्ट है 2,75,000 रुपये, ठीक है, 2,75,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। लेकिन अभी जो पहले 50 कस्टमर है, जो पहले 50 कस्टमर, उनके लिए हमने एक ऑफ़र रखा है, जिस ऑफ़र के तहत ये आपको मात्र 2,40,000 रुपये में मिलेगी। ऑफ़र वैलिड कराने के लिए आपको कस्टमर जो भी अगर इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड है, उनको मात्र 25,000 रुपये दे के उनको बुकिंग करानी रहेगी। जैसे किसी का प्लान है कि मैं 2 महीने बाद लगाना चाहता हूँ, 3 महीने बाद लगाना चाहता हूँ, मुझे जगह रेडी करना है, समय लगेगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो भी सेल्स की टीम है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे हमारा कॉन्टैक्ट पूरा चल रहा है, इस कॉन्टैक्ट में मतलब आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जितने भी हमारे सेल्स कोऑर्डिनेटर, उन सबके हमने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ये स्क्रीन पर चल रहा है, आप स्क्रीन पर देख के आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और आप बुकिंग कर सकते हैं। आप 25,000 रुपये दे के बुकिंग किए तो आपके लिए ऑफ़र वैलिड हो गया। अब अगर ये 50 कस्टमरों ने जब अगर ये बुकिंग करा लिया या ले लिया, तो उसके बाद जो 51 नंबर्स का कस्टमर होगा, उनको फिर ऑफ़र नहीं मिल पाएगा, ऑफर वैलिड नहीं रहेगा, फिर उनको 2,75,000 रुपये में पूरा सेटअप मिलेगा। दूसरा चीज़ आपने पूछा कि ये कैसे ले सकते हैं, क्या लेने के लिए यहाँ लोगों को आना पड़ेगा, तो हाँ आना पड़ेगा। मतलब हम तो इनवाइट करते हैं, पहले कस्टमर को वेलकम करते हैं कि आप आइए, क्योंकि क्या होता है, फ़ोन में आप देखेंगे, यूट्यूब से देखेंगे और आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी, तो ज़्यादा बेटर है कि आप हमारे यहाँ आइए, विज़िट कीजिए, विज़िट करके आप चीज़ों को समझिए, पूरी तरह देखिए, और हमारे पास और भी एडजस्टिंग काफ़ी प्रोडक्ट है, 20 से 25 प्रोडक्ट हम जैसे बनाते हैं, उनके बारे में भी समझिए, अगर उसमें से भी कुछ आपको बिज़नेस आइडिया समझ में आ जाए तो आप आके विज़िट किए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर किसी को फिर भी ज़्यादा डिस्टेंस है, समय का परेशानी है, आने में दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं, हमसे फ़ोन में कांटेक्ट करके हम आपको सारा डिटेल दे देंगे, आप हमारे अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। हमारी कंपनी जो है सारे रेपूटेड जगह लिस्टेड है, जैसे कि इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट में हमारी कंपनी लिस्टेड है, जस्ट डायल में हमारी कंपनी लिस्टेड है, तो आप उस माध्यम से भी हमको पेमेंट कर सकते हैं, तो उस तरीके से ले सकते हैं। दूसरा, आप बोलें कि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो ये स्टेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि किस जगह में वो क्या फैसिलिटी है। हमारे पास जैसे हमने पूरी तरह से रोड ट्रांसपोर्ट से भी जाता है हमारा माल, जैसे VRL, TCI ऐसे जितने भी हैं वो हमारे लोकेशन में सारे ट्रांसपोर्ट हैं। दूसरा, ट्रेन से भी माल जाता है। तीसरा, कोई नियरेस्ट होते हैं 200-300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, तो कई कस्टमर क्या होता है, बाई रोड भी हमसे डिलीवरी लेते हैं। तो अब एज़ पर कन्वीनियंस, आपका कैसा कन्वीनियंस है, उस हिसाब से हम यहाँ से माल भेजेंगे। तीसरी चीज़ है, इसमें जो भी प्राइस है, इसमें GST और ट्रांसपोर्टेशन, ये कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना रहेगा। जैसे अगर कोई 2,40,000 में ले रहा है या 2,75,000 में ले रहा है, तो ये खाली मशीनरी का कॉस्ट है, इसमें 18% GST आपको एक्स्ट्रा देना रहेगा कस्टमर को, और जो भी उनके लोकेशन तक का ट्रांसपोर्टेशन है वो कस्टमर को अलग से देना रहेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तीसरी चीज़ें ये हैं कि जो इंस्टॉलेशन है, इसमें हमारा इंस्टॉलेशन तो फ्री है, इंस्टॉलेशन का हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे, बट जो हमारा इंजीनियर यहाँ से जाएगा,
जो भी आपका लोकेशन हो उसमें जाने का, आने का और इंजीनियर के रुकने का और उनको जो भी खाने पीने की व्यवस्था कस्टमर को करके देनी पड़ेगी। बाकी हम जो इंजीनियर आके पूरा सेटअप करेगा, जो पूरी वहाँ पर इंस्टॉलेशन करेगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे द्वारा नहीं लिया जाएगा। फिटिंग का कोई चार्जेस नहीं देगा हमारे इंजीनियर को, आप जैसा बुलाएं। चार्ज अपने को देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? जरूर जरूर, नॉमिनल कॉस्ट में शायद में भी पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, जो भी अब लोकेशन डिस्टेंस के हिसाब से दूर करता है। अब कोई कोई गुवाहाटी आसाम बोला, अगर आसाम में तो खैर हमारा एक ब्रांच है, तो काफ़ी दूर होने के कारण हमारा एक ब्रांच है, तो कोई कस्टमर आसाम में लेता है तो उसको हमारा कस्टमर गुवाहाटी से ही आएगा, मतलब हमारा इंजीनियर गुवाहाटी से ही आएगा। बाकी कोई दिल्ली में है या कोई मुंबई में है या और किसी भी जगह में, साउथ इंडियन में है आपका, चाहे विशाखापट्टनम हो, केरल हो, कहीं भी हो, तो आपको जो ट्रेन का टिकट हो वो बना के देना है और वहाँ हमारे टेक्नीशियन का रुकने का व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करना है, बाकी वो सारा सेटअप आपको करके देंगे, उसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। तो जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो बस मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका कॉलिंग टाइम रहेगा वो आप 10 बजे से लेके या 10:30 बजे से लेके 6:30 बजे के अंतर्गत ही आप कॉल करें। कभी आपको कॉल इंगेज मिलता है, ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू बिजी आ रहा है, तो आपको जितने भी नंबर दिए गए हैं, ये सारे नंबर आप देख रहे हैं, सारे नंबर में व्हाट्सअप अवेलेबल है, आप उसमें व्हाट्सअप में मैसेज छोड़ सकते हैं, हमारी टीम द्वारा ज़रूर आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। और अगर आप हो सकता है आप रात को 8 बजे 9 बजे कॉल करें, तो शायद क्या होता है हमारे स्टाफ जो है छुट्टी हो जाती है, 6:30-7 बजे चले जाते हैं, तो उस समय आपको रिस्पांस नहीं मिल पाएगा, तो उस कंडीशन में आप व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दें, आपको नेक्स्ट डे ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्टेक्ट करें जिससे हम आपको पूरी तरह से हमारे द्वारा अच्छे से आपको जो भी है जानकारी दी जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पूरी तरह देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आगे भी हमारे वीडियो देखते रहें जिससे आपको नए नए बिजनेस के बारे में, नए नए जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट कम इन्वेस्टमेंट से लेके बड़े इन्वेस्टमेंट तक हमारे पास बिजनेस है, तो आप देखिए जिससे आपको जानकारी मिल सके। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।